भाई क्या चल रहा है अच्छा यार आज हमारे पास आ, स्पेशल गेस्ट है।, रोने थैक का थैक मकाम थैक 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 है और कुछ नहीं है भाई हमने इंडिया से ये तो कैसे हैं आप यार टीम कौन से हमने सुना है यार आपके काफी दोस्त हैं जो यू नो उनका इंडिया से ताल्लुक है और आपकी वो काफी लेते हैं जब पाकिस्तान हार जाता है सर आप सबके भी वही दोस्त हैं तो भाई क्या सीन है आज पाकिस्तान नदरलैंड से पहले एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम पाकिस्तान के लिए तो बांग्लादेश खेल रहा है यार बांग्लादेश को जीतना ज़रूरी है अगर बांग्लादेश नहीं जीता तो मुझे लग रहा है कि फिर हमें यू नो दोबारा सोचना पड़ेगा कि मछलियों के साथ कुछ किया जाए वो तो बोल रहे हैं कि वो किनिया में रुकेंगे बेचारे पाकिस्तानी वापस आते हुए और वहाँ पर भी अपने खर्चे पर रुकेंगे रमीज़ राजा कह रहे हैं हमने तो फ़्लाइट दूसरी बुक कराई हुई थी यार ये सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है वही वाली सिचुएशन हो गई है किसी की फूफी मर जाए किसी की टीम की बस गिर जाए ये वाली सिचुएशन हो <laughs> पाकिस्तान के साथ हमेशा होती है लेकिन आ, uh, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान जीत भी गया अपने मैच और अगर ये बांग्लादेश और इंडिया ने वो काम ना किया जो हम चाह रहे थे तो फिर बहुत ज्यादा बस पर तो गेम तो खत्म हो गई आपकी फिर आप वापस आ इंडिया को सपोर्ट करने अच्छा आप बांग्लादेश की शर्ट मैं तो बंगाली हूँ लेकिन तो तुम्हारा बहुत एक्सपीरियंस है तुम फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हुए हो और मतलब यूनिवर्स लेवल पे खेले हुए तो क्या क्या वट वी मिसिंग ऐसा हुआ क्या है हम मिस कर रहे हैं फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग कैप्टनशिप

आपने अगर नहीं ट्राई किया हुआ तो बाबर आजम एंड रजवान स्टिल फाइन um, मेरे ख्याल से द ओनली स्ट्रटिजिक चेंज आई वुड मेक इज़ के आप uh, किसी तेज़ खेलने वाले बंदे को ऊपर कर दो सो इफ यू नो शान मसूद सो इफ यू लूज़ योर विकेट इन द फर्स्ट सिक्स ओवर्स एंड शान मसूद कमिंग इन ही इज़ प्लेइंग एट द सेम स्ट्राइक रेट एज बाबर आज़म इज़ तो ओनली चेंज आई वुड मेक इज़ आई वुड प्रमोट समबडी लाइक हैदर अली शादाब और नवाज़ टू गो अप अर्ली एंड सी इफ दे कैन स्कोर एट अ फास्टर रेट बॉलिंग yeah. yeah. में कोई चेंज आई थिंक है बॉलिंग बिल्कुल सही है अगेन दूसरा गेम दोबारा अगेन पढ़ पे है तो वही फास्ट बॉलर स्ट्रेटजी से जाएं और कोशिश करें कि यू नो कम से कम अगर पहली बॉलिंग है तो कम से कम पे आउट करें नदरलैंड को और अगर पहली बैटिंग है तो कोशिश करें कम से कम 160 रन बनाए और कोशिश करें उनको 100 पे पैक करने की कोशिश करें दैट्स शुड बी अ स्ट्रेटजी बट अगेन ऑल ऑफ दिस वुड नॉट मैटर इफ़ जम्बावे विंस

तो ठीक yeah. है ना ना uh, right कहते कि हमारा uh, दोनों दो है है बस आ, एक जीची रह आ, तो रह गई गई अंदर अंदर भाई। बाकी अभी से धक्का देने की देर है बस बाकी यू you नो know, हम वी आर हमारी फ्लाइटे भी बुक हो चुकी है चले मेरे इंडिया के भाई मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अपने बॉयज को बोले पंप करें ताकि हमारा जरा प्रोस्पेक्ट आप इंडिया के बारे में इंडिया क्या लगता है इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मतलब साउथ अफ्रीका को हराने के लिए आ... इंडिया जो कर रहा है सही कर रहा है

आ, दस वो ना वो एक शाना, अगला शाना। भाई आउट बात होता है अगला अगर आप हैदर अली को बैठाए तो खिलाएं किसको <laughs> हमारे ये चक्कर उनके पास ये भाई अगर हमने किसी को बैठा दिया तो तीन बंदा उनसे बेहतर बेंच पे बैठा हुआ है जो कि मे नॉट बी इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म बट दी है बेंच पे इस वक्त

और इधर से इंडिया एंड uh, यार तुम पाकिस्टानियों पाकिस्टानियों का मसला है मैंने जिस तरह इंडियन ना मैं सिंपली बात कर सवाल पूछा क्या यार यार के यार मसला ये है कि देखो भाई अंदर से तो पाकिस्तान जीतेगा बस ठीक जीत <laughs> <laughs> लेकिन बाहर से बाहर से कौन जीतेगा बाहर से मोस्ट प्रॉबेबली मुझे लग रहा है मुझे न्यूजीलैंड या इंडिया की ये देखो अभी तक इस बंदे ने तीन टीमें बता ली एक जवाब देना है मतलब कि क्या यार आप आपके ख्याल से धन्यवाद कौन जीतेगा मेरे ख्याल से मैं इंडियन होते हुए आप कहता हूँ आज पाकिस्तान जीतेगा ये सही इंडियन नहीं है ये थोड़ा सा इंडियन हो लेकिन अब रहते मैं लाहौर में लेकिन ये अगर ऑल द वे विनिंग की बात कर रहे हैं